तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अब यहाँ पे मुनव्वर फारूकी पे रोस्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप सबको पता ही है, मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 घर के अंदर में ही एक्सपोज होना स्टार्ट हो गए, तो भी नेशनल टेलीविजन पे। और रोस्टर्स कहाँ किसी को छोड़ने वाले। तो अभी यहाँ पे क्रेजी दीप ने बहुत ही ब्रूटली रोस्ट कर दिया मुनव्वर फारूकी को लेकर। मुनव्वर विमिनाइजर होने के बाद भी लड़की ने बिग बॉस में वोट दे रही थी, और वहीं पे जिसने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया, वही हिंदू सब ने मुनव्वर को वोट करी थी बिग बॉस 17 के विनर बनाने में। एक तरफ जहाँ पे मुनव्वर भाई एक्सपोज हो चुके हैं, अपनी वाइफ पे चीट करते, अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट करते, वहाँ पे भी लड़कियां इन्हें वोट दे रही है। हैशटैग मुनव्वर इस क्या बोलते हैं, हैशटैग मुनव्वर इस लव, हैशटैग मुनव्वर इस द बॉस, और बिग बॉस का विनर बना दिया। फिर ये वीडियो बनाने का रीजन है कि सिर्फ मुनव्वर वुमेनाइजर नहीं है, ये एक हिंदू फोबिक कॉमेडियन होगी, और अगर वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जोक बनाएगा तो ये जो जेंजी है हमारे हिंदू, जो अभी अयोध्या में राम मंदिर की खुशी में रोज रील्स अपलोड कर रहे थे, भगवा कपड़े पहन के फोटोज डाल रहे थे, फुल एंगेजमेंट ले रहे थे, वही लोग एक तरफ बिग बॉस में मुनव्वर फारूकी जो इनके ही लॉर्ड राम पे जोक बना रहे थे, सीता माँ पे जोक बना रहे थे, उसे वोट कर रहे थे। बाकी इस पे आप लोग का अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं खानजादी को लेकर। तो गाइस, यहाँ पे खानजादी के साथ बार बार प्रॉब्लम हो रही है उनके इंस्टा अकाउंट को लेकर। शायद उनके इंस्टा अकाउंट को कोई रिपोर्ट करवा रहा है, क्या हो रहा मुझे नहीं पता, बट ये थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है कि उनका इंस्टा फिर से सस्पेंड हो गया। तब इसी चीज को लेकर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर छोटी सी वीडियो अपलोड करी है, जहाँ पर उन्होंने उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। और वहीं पे उन्होंने बताया कि उनका सॉन्ग भी जल्द ही आने वाला है, गाना आने वाला है सब सही, लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से सस्पेंड हो गया फॉर द थर्ड टाइम। You know what guys, I want to share some things with you. My life has changed after MTV Hustle and Big Boss. और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे बस अपना गाना रिलीज़ करना है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको शेयर करना। बाकी गाइस, यहाँ पे आप लोग इस पे क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मटेरियल देन, बाय बाय।